वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की जो सोशोलॉजी है उसके लघु उत्तरी प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है हमारा कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, असहयोगी जो सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, संक्षेप में समझाइए। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं जो कौन कौन सी हैं वो हमारी तीन हैं। एक तो आपकी प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है और प्रतिकूलन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को किसी भी ढंग से दूसरे व्यक्तियों से आगे निकल कर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। जो प्रतिस्पर्धा जो असहयोगी जो सामाजिक प्रक्रिया है हमारी, ये क्या करती है, ये व्यक्ति को किसी भी ढंग से दूसरे व्यक्तियों से आगे निकलकर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। दूसरे शब्दों में, जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति विभिन्न क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से इस प्रकार अप्रत्यक्ष संघर्ष करते हैं कि दूसरे के हित को दबाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, तब ऐसे प्रयत्न को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा संघर्ष। संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का दमन करके अथवा उन्हें हानि पहुंचाकर शक्ति के द्वारा अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। संघर्ष में क्या बताया उन्होंने, संघर्ष में ये कह रहे हैं कि संघर्ष ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का हनन दमन करता है। ठीक है, अथवा उसको हानि पहुंचाता है और अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। संघर्ष में क्रूरता, उत्पीड़न और हिंसा के तत्व का समावेश होता है। ठीक है, संघर्ष में क्या होता है, आपका क्रूरता होती है, उत्पीड़न होता है और हिंसा होती है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। संघर्ष कैसी प्रक्रिया है, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे पक्ष की स्थिति का बहुत अच्छी तरह मूल्यांकन करके उस पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रतिकूलन। प्रतिकूलन भी एक ऐसी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्ति को परस्पर विरोधी दशाओं के बीच दुविधा की स्थिति में डालकर उसमें अनेक मानसिक तनाव उत्पन्न कर देता है। प्रतिकूलन जो है वो व्यक्ति को परस्पर विरोधी दशाओं के बीच दुविधा की स्थिति में डालता है। ठीक है, और उसमें अनेक मानसिक तनाव जो होते हैं वो उत्पन्न कर देता है। वास्तव में प्रतिकूलन की प्रकृति ना तो प्रतिस्पर्धा के समान है, जो प्रतिकूलन की प्रकृति है, जो प्रकृति का जो प्रतिकूलन का जो नेचर है वो प्रतिस्पर्धा के समान नहीं है और ना ही संघर्ष के समान है, ना तो संघर्ष के समान है, बल्कि इसे इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य की स्थिति कहा जा सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।